लाइव स्ट्रीमिंग में मैं आ चुका हूं, तो आप लोग बताइए कि क्या आप लोग भी जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग जुड़ चुके हैं तो बताओ। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं बताना, 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 मेरी आवाज आ रही है कि नहीं बताना। अरे कमेंट वगैरह करो यार, कमेंट तो आप लोग। यहाँ यस भैया, यस आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। और जैसा कि तुम लोग मेरा फेस देख रहे हो, आज मैंने कोविड का वैक्सीन ले लिया है, तो फीवर आ गया, इसीलिए लेट से आया। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा। हाँ, ये क्या है? तो ये राइट आंसर इसका होगा बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नंबर दो क्वेश्चन है, इसमें नंबर फोर पूछा है। नंबर फोर क्या है आप लोग बताओ। नंबर फोर में क्या है बताओ, सभी लोग बताओ फटाक से कि नंबर फोर में क्या है। नंबर फोर, अरे कौन सा गियर है? नंबर फोर, नंबर फोर आपने देख लिया, बताओ क्या है इसका ऑप्शन। ये रहा, हाँ ये विंडलास ब्रेक है। ठीक है, विंडलास ब्रेक। नंबर थ्री पूछ रहा है, देखो नंबर थ्री ध्यान से देखना आप लोग। वेन द पासिंग टो लाइन टू द टग फ्रॉम मोरिंग डेक मेक फर्स्ट, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, क्या होगा बताओ। अरे नंबर तीन का बताओ, ये कि टोइंग लाइन को टग से बांधने के लिए क्या करोगे। हाँ ये होगा नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नंबर फोर क्वेश्चन। नंबर फोर, द साइज ऑफ मैनिला रोप इज यूजली इंडिकेटेड बाय द डायमीटर। बिल्कुल सही, किलर गेमिंग ने राइट बताया, इसका आंसर डायमीटर होगा। ठीक है, मैनिला रोप का साइज डायमीटर से मापते हैं। ठीक है, नंबर फाइव बताओ। रिमेनिंग द अनफ्रेंडली विद द अदर ऑन द बोर्ड शिप फाइल मेक ए पर्सन। मैं आप लोगों को डेली, वैसे मैंने बोल के रखा है कि डेली करवा दूंगा, 5-6 दिन में जीएसके जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एमईके में हम लोग चल चलेंगे। ठीक है, श्रीचंदन डी बोल रहा है स्पिरिचुअली अनफ्रेंडली अदर सी विद द मेक पर्सन। स्पिरिचुअली सीख होगा कि मेंटली सीख होगा भाई।
मेंटली सीख होगा बाबू, कल ही मैंने इसके बारे में तुम लोगों को बताया था। नंबर सिक्स, मेज द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट विद द मोस्ट सुटेबल फॉलोइंग द ऑप्शन। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ आप लोग। यही होगा नंबर एक, कीपिंग द फिट एंड वर्किंग विद द प्रॉपर प्रिकॉशन। नंबर सेवन बताओ, व्हेन द यूजिंग ए कंप्यूटर व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म ऑफ कट। नंबर सेवन का बताओ, जो पहले राइट आंसर देगा, हाँ केमिंग गिलर, कट द सिलेक्टेड पीसेस ऑफ द डाटा। नंबर एट बताओ, स्टेटस लवर ने सही बताया, केमिंग गिलर ने भी सही बताया है, गेमिंग ने भी सही बताया, मुकेश यादव ने भी सही बताया। एमएमडी का फुल फॉर्म बताओ, एमएमडी का मुकेश यादव ने सही बताया है। और कोई है जो बताएगा? मुकेश यादव, हेमंत टंडेल डी, ठीक है, मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट इसका राइट आंसर होगा। नंबर नाइन बताओ आप लोग, वेन ए वायर रोप इज ज्वाइन टू द फाइबर रोप इट्स सुटेबल बी दी। वायर रोप को फाइबर रोप से जोड़ने के लिए उसके बीच में क्या अटैच किया जाता है? देखता हूँ इसका राइट आंसर कौन देता है। मुकेश यादव ने सही आंसर दिया, गेमिंग किलर ने भी सही आंसर दिया, मुकेश यादव बिल्कुल राइट, धीरज गुप्ता रॉन्ग, मुकेश यादव राइट, मुकेश यादव राइट, अमन भी राइट। फिटेड विद द थिम्बल, थिम्बल उसके अंदर फिट करते हैं, ठीक है। चलो नंबर सिक्स बताओ, कल भी ये क्वेश्चन आया था, नंबर सिक्स बताओ ये क्या है। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स क्या है? लो ऑप्शन लगा देते हैं, नंबर सिक्स बताओ क्या है। नंबर सिक्स, जो नाम लिखकर ऑप्शन का बताएगा उसका नाम पहले लूंगा। गेमिंग किलर एब्सोल्युटली राइट, मूविंग ब्लॉक है, गेमिंग किलर ने राइट आंसर दिया है। नाम लिख के बताओ ऑप्शन का, ये तुम लोग में गलती है बाबू। जब भी हम कम्युनिटी गाइडलाइंस में जाकर पोस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप लोग ए बी सी डी लिखते हो, इसको मेरे समझ ही में नहीं आता है। तो प्लीज़ उसका राइट आंसर लिख दिया करो कमेंट में, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं व्हाट्सएप पर। नंबर वन, वन एट द नाइट ए पोर्ट हैंड बॉय सो द डैश लाइट, रेड लाइट। गेमिंग किलर ने सही ऑप्शन बताया है, रेड लाइट इसका राइट आंसर होगा। पोर्ट हैंड बॉय जो होता है वो रेड लाइट। सतीश यादव रॉन्ग, स्टेटस लवर बिल्कुल राइट, रेड लाइट होगा। श्रीचानंद गलत, ग्रीन लाइट स्टार बोर्ड एंड वो बॉय होता है, ठीक है, इसका आंसर होगा राइट लाइट, या सॉरी रेड लाइट। बताओ ये क्या है, ये किसका आइकन है? आइडेंटिफाई द फ्लोइंग द सिग्नल, जल्दी से बताओ ये किसका आइकन है। जो लिख के बताएगा पहले नाम उसी का आएगा। चलो आप लोग बताओ फटाक से किसका है। रॉकेट पैराशूट गलत है, गेमिंग किलर गलत, धीरज गुप्ता ने सही बताया है, लेकिन उसका नाम लिख के बताओ तब मैं मानूंगा। श्रीचानंद, अब रेड लाइट में अभी क्या हो तुम, मैं तो क्वेश्चन चला गया। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। लाइन थ्रोइंग अपरेटर्स बिल्कुल सही है, ये लाइन थ्रोइंग अपरेटर्स है, हीविंग लाइन के जगह इसका यूज करते हैं। नंबर 13 बताओ, एन इनक्लोज स्पेस एंट्री परमिट इज टू बी कंप्लीटेड बिफोर एंट्री टू द, किसमें आप जाओगे तो इनक्लोज स्पेस परमिट लेना पड़ेगा आपको। धीरज गुप्ता सही है, 13 का आंसर बताओ। ईश्वर चंद्र यादव गुड इवनिंग, पेंट रूम बिल्कुल सही, गने केमिंग गिलर, किलर गिलर, ओ सॉरी किलर गेमिंग ने बिल्कुल सही, ये किलर गेमिंग बहुत अच्छा आज बता रहा है। नंबर 14,
मेज द वर्ड मून विद द करेक्ट ऑप्शन, देखता हूँ इसका कौन आंसर सही देता है। आज तो सबसे टॉप पर किलर गेमिंग चल रहा है क्योंकि इसने बहुत सारे जवाब बिल्कुल राइट राइट दिए हैं। हाँ सैटेलाइट बिल्कुल सही बताया, प्लानेट थोड़ी होता है, ग्रह थोड़ी है ये। चलो नंबर 1-5 बताओ, नंबर 4 में बताओ ये कौन सा लाइन है। नंबर 4, नंबर 4 ये जो जेटी में बंधा हुआ है ये वाला लाइन बताना है। नंबर 4 ये कौन सा लाइन है। फॉरवर्ड बैक, हाँ बिल्कुल सही, गेमिंग किलर ने सही बताया, फॉरवर्ड बैक स्प्रिंग लाइन है। ईश्वर चंद्र यादव गलत है, आफ्टर बैक स्पेस लाइन थोड़ी है। चलो नंबर 1-6 बताओ आप लोग, द ट्रेड रूट बिटवीन द इंडिया एंड जापान पीसेस थ्रू द विच ओशियन, लिख के बताना। इंडिया और जापान के बीच ट्रेड करने के लिए कौन से ओशियन से होकर जाना पड़ता है। सतीश ने डी बोला है, इंडियन एंड अटलांटिक, ये तो गलत है। इसका आंसर होगा इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। नंबर 1-7, मैच द टर्म बाउ स्टॉपर विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। बाउ स्टॉपर कहाँ होता है। हाँ गेलर, केवी किलर ने बिल्कुल सही बताया, फॉक्सल डेक, सबसे आगे वाले डेक पर बाउ स्टॉपर होता है। शिवम कोरा जी बिल्कुल सही आपका। ये बताओ ये किस टाइप का सॉरी ये किस टाइप का वेसल है। इसमें ऑप्शन रॉन्ग दिया है, देखता हूँ कि राइट कौन बताता है। बल्क, सतीश यादव बिल्कुल सही है, बल्क तो सिर्फ दिया है, बल्क कैरियर है, लेकिन राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए बताओ। देखता हूँ, कल भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, सभी 20 बता रहे हैं उनका एब्सोल्युटली राइट है, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए। हाँ गेयरलेस बल्क कैरियर, देखो ये किलर गेमिंग ने सही बताया है, इसमें गेयरलेस बल्क कैरियर होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ बल्क कैरियर दे दिया। चलो MSDS का फुल फॉर्म बताओ, MSDS का, MSDS का फुल फॉर्म बताओ, MSNDS, लिख के बताओ लिख के, MSNDS का फुल फॉर्म। MSDS का फुल फॉर्म बताओ, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट, बिल्कुल सही, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट, किलर गेमिंग ने राइट आंसर दिया, बाकी सभी ने भी दिया है CC, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो लड़का लिख के बताएगा मैं उसी का नाम लूंगा, ठीक है। नंबर 2, ये जो नंबर 2 दिखाई दे रहा है ये क्या है बताओ आप लोग, नंबर 2 क्या है। लो ऑप्शन मैंने ला दिया, बताओ नंबर 2 क्या, पहले देख लो नंबर 2, अब बताओ क्या है। नंबर 2 देखो, नंबर 2 टॉपिंग लिफ्ट, टॉपिंग लिफ्ट कहां से हो गया बाबू। डेरिक हेड, एक लड़का बोल रहा है डेरिक हेड है, डेरिक हेड तो नंबर 1 है बाबू। हाँ स्पाइडर, ये कौन बोला है, अमित कुमार ने सही बोला है, स्पाइडर बैंड है ये, वो डेरिक हेड तो 1 नंबर था। नंबर 2-1 बताओ, व्हाट टाइप ऑफ लिंक इज यूज्ड टू कनेक्ट द बीटर एंड द एंकर चैन टू द बल्क हेल्ड। ट्वेंटी 1 बताओ क्या होगा, बीटर एंड के एंड में जो लिंक लगा होता है उसका क्या नाम है। डी टाइप, डी टाइप, वन एंड लिंक, एक लड़का बोला वन एंड लिंक, डी शैकल, डी शैकल तो एंकर चैन के सबसे ऊपर वाले भाग में होता है। डी शैकल, अमित कुमार भी डी शैकल, चलो राइट आंसर डी शैकल ही होगा, देखा कंफ्यूज तुम लोग नहीं हुआ। 21 का बताओ, 21, व्हेन द टग इज पुलिंग द शिप क्रू शुड बी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जब एक टग बोर्ड जहाज को पुलिंग कर रहा है, घींच के लेके जा रहा है, तो उस टाइम शिपिंग क्रू को क्या करना चाहिए।
हाँ इसमें तो डिस्टेंस का ऑप्शन ही नहीं है, मेक डिस्टेंस फ्रॉम रॉक, ठीक है इसमें डिस्टेंस का ऑप्शन क्या है बताओ तो। हाँ इसका राइट आंसर डी होगा, कीप वेल क्लियर ऑफ द टग रोप, टग रोप से आपको दूर रहना है नहीं तो। अच्छा चलो बताओ, ये सबसे पहले बताओ ये क्या है, सबसे पहले आप लोगों को बताना ये क्या है। ये कौन सा हिच है, जो लड़का बताएगा समझूंगा वो टॉपर है। हाँ इसका नाम विकास है, लुपनी मोबाइल, ठीक है रोलिंग हिच, बिल्कुल सही, किलर गेमिंग ने भी सही बताया। रोहित कुमार रोप बोल रहा है, नहीं बे बाबू रोप नहीं है, चंदन सिंह रोलिंग हिच बिल्कुल सही। अब चलो ये बताओ कि इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ बताओ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रोलिंग हिच, इसका यूज़ बताओ तो क्या होगा। हाँ इसका राइट आंसर होगा नंबर डी। चलो बताओ, इन ए टीम टू अचीव ए गोल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका आंसर बताओ, लिख के बताओ। हाँ ऑल टीम मेंबर, गेमिंग किलर ने सही बताया, अमित कुमार ने भी सही बताया, लुपनी मोबाइल ने भी सही बताया। पहले जहाज देख लो, ये जहाज का सिग्नल है, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये जहाज का सिग्नल है, बताओ कौन से जहाज का सिग्नल है, ये कौन सी टाइप की वेसल है। बताओ, सिर्फ इतना मैं बोलना चाहूंगा, ट्विंग वेसल, लिपनी मोबाइल ने भी ट्विंग वेसल बोला। अपर लाइट इज रेड एंड लोअर लाइट इज वाइट, अमित कुमार ने सही बताया। देखो अपर लाइट रेड होगा और लोअर लाइट वाइट होता है तो पायलट वेसल होता है, अगर वही अपर लाइट वाइट हो जाए और रेड लाइट लोअर हो जाए तो वो फिशिंग वेसल होता है, तो ये पायलट वेसल है, ठीक है। चलो नंबर 26 बताओ आप लोग, मैच द टर्म साउंडिंग विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। ये कल भी क्वेश्चन आया था, बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहा है। हाँ डेप्थ ऑफ ए लिक्विड, केमिंग इलर, एंटरटेनमेंट ऑफिसर, अभय गुप्ता, शिवम कोरमा, शिवम कोरमा बिल्कुल राइट, लिपनी मोबाइल भी राइट, सिद्धन जीन भी राइट, चंदन सिंह, अमित कुमार, सतीश यादव, डेप्थ बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, ठीक है। 27 का आंसर बताइए आप लोग। ट्वेंटी सेवन का आप लोग बताइए, वेयर आर द कंट्रोल ऑफ क्रेन प्लेस्ड, हाँ बिल्कुल सही, इंटरटेनमेंट ऑफिशियल बिल्कुल सही बताया है, इन द क्रेन केबिन, नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है, केमिंग गिलर ने भी सही बताया। नंबर 28, गियरलेस हाउस कीपिंग, सॉरी गियरलेस हाउस कीपिंग कैन रिजल्टेड इन, हाँ बिल्कुल सही, एक्सीडेंट, इंजूरी एंड फायर, अमित कुमार ने बिल्कुल सही बताया। चलो आप लोग बताओ 29 का, वेन ए वेसल फेल टू अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ द अदर डाउट द सेल साउंड, ये बताओ ये कल ही का है, जब एक वेसल अंडरस्टैंड होगा ये तब क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, कल ही आंसर आया था कि एटलीस्ट 5 शॉट ब्लास्ट एंड रिपीटेड ब्लास्ट, ब्लास्ट लगाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ 3-0 पर, इन द फ्रीजिंग वेदर द मोरिंग विंड शुड बी स्टार्टेड एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर यूज ऑफ, 3-0 का बताओ।
हाँ बिल्कुल सही बताया, लिपनी मोबाइल ने वार्म अप द सिस्टम। चलो 3-1 बताओ। इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम व्हाट इज मीन बाय द ओपन? बताओ आप लोग क्या होगा। उमेश साहू प्लीज आप डिस्टर्ब मत करो। उमेश साहू यहाँ पर बार बार अपना ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप बाद में लाइव सेशन इससे आप एग्जिट हो जाओ। ये जो लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो सब। ठीक है आप प्लीज़ यहाँ से एग्जिट हो जाओ। देखो उमेश साहू आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर मत आओ। ठीक है आप एग्जिट हो जाओ, बाद में आप क्वेश्चन अपना पूछ लेना। यहाँ पर लड़के अपना क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। हाँ ओपन एंड एग्जेक्टिंग फाइल बिल्कुल सही है। देखो उमेश साहू आप गुस्सा मत करना, आप बाद में क्वेश्चन पूछ देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। अभी लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उनको आप डिस्टर्ब करोगे। 32 का बताओ। कंटेनर आर इंटरलॉकेड टूगेदर विद द, कंटेनर को इंटरलॉकिंग कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जा सकता है? लुम्बिनी मोबाइल ने सब बोला। देखो ब्रिज फिटिंग भी होता है, लिंक पैलेंट भी होता है, ट्विस्ट लॉक भी होता है, ऑल ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे बताओ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फिटिंग द एसेंट्रिक रोलर इन टू द स्टील हिच कवर? इसका आंसर बताओ। बिल्कुल सही। शिवम शिवम शुभम कुमार ने भी, शिवा कुमार ने भी बिल्कुल सही बताया। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलो हाउ इज द VLCC मोड टू द SBM? अमित कुमार बी बोल रहा है, बी बोल रहे हैं। विद द मोरिंग रोप और शॉर्ट चैपलिंग चैन, इसका आंसर डी होगा बाबू। अच्छा चलो बताओ ये कौन सा टाइप का हिच है, कौन सा टाइप का हिच है? नाम बताओ नाम। सिद्धेश जिंजत क्लो हिच नहीं होगा। अमित कुमार गलत। लुपनी मोबाइल ने सही बताया, ये काऊ हिच है। अजय चौहान बिल्कुल सही, काऊ हिच है। 36 पर आ जाओ। गार्बेज आर यूज फॉर लोडिंग, गार्बेज आर यूज फॉर लोडिंग, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ग्रेप्स लिखा है। ग्रेप्स आर यूज फॉर लोडिंग, हाँ बल्क बल्क कार्गो। बिल्कुल सही बोला आपने, बल्क कार्गो में इसका यूज होता है, ग्रेप्स का। 37 का बता दो। वीपिंग इज ए कैरीड आउट अंडर टू द, नहीं बाबू अजय चौहान गलत है, लिक्विड थोड़ी होता है, ग्रेप्स होता है ना जो बल्क कैरियर में उठा उठा के रखता है। हाँ नंबर सी सही है, प्रिवेंट द एंड ऑफ द रोप फ्रॉम ऑनलाइन। 38 बताओ। ऑल इंडियन सीमेन शुड ज्वाइन द सी विद द, 38 नंबर डी ठीक है, नंबर डी आंसर राइट है। DGS के लाइसेंस के थ्रू जाते हैं। बताओ एक आदमी को कम से कम कितना ड्रिंक लेना चाहिए, सॉरी कितना पानी पीना चाहिए दिन में? हाँ 10 ग्लास बिल्कुल सही है, 10 ग्लास पानी कम से कम पीना चाहिए। 40 द इमिग्रेशन ऑफिसर चेक द वैलिडिटी ऑफ, इमिग्रेशन ऑफिसर क्या चेक करता है, किसकी वैलिडिटी इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करता है? पासपोर्ट पासपोर्ट पासपोर्ट। और देखते हैं और कितने लड़के बोल रहे हैं पासपोर्ट। सतीश समीम अजय चौहान लिपि मोबाइल ईश्वर राजीव रंजन कुमार
बिल्कुल सही, पासपोर्ट होगा इसका आंसर। जब आप लोग इतना श्योर है तो मैं आपको गलत थोड़ी कर सकता हूँ। मेज द टर्म नीड फॉर कम्युनिकेशन विद द ऑप्शन गिवन ब्लोइंग। कम्युनिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? बिल्कुल अमित कुमार, केमिंग गिलर, किलर गेमिंग, शेखर चौहान, लुपनी मोबाइल, अभय गुप्ता, सतीश यादव। गलत है आपका। अजय चौहान आपका भी गलत है। फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए बाबू। 52, 42 पर बताओ, पी एस सी कैन डिटेन ए वेसल इफ द, पी एस सी किस पर फाइन मारेगी? क्या अगर जहाज पे नहीं होगा तो फाइन मारेगी? डी गलत है भाई। सी अभय गुप्ता ने सही बताया। देखो, पोर्ट स्टेट कंट्रोल, अगर आपके जहाज पर रैट गार्ड नहीं होगा तब जरूर फाइन मारेगी, ठीक है? तो रैट गार्ड इसका राइट आंसर होगा, रैट गार्ड। 43 का बताओ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडी? स्टडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सी सी दानिश ए अमित कुमार सी। हाँ, प्रॉपर टेक्निक ऑफ स्टडी, स्टडी करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये कल भी क्वेश्चन आया था, बताओ क्या है। आइडेंटिफाई द बिलो गिविंग द सिग्नल। एम्बार्केशन, अमित कुमार, शिवम कोरा, शिवम कोरा, अभय गुप्ता, किलर गेमिंग, सतीश यादव, शिवम कोरा, मोहित कैश। गलत है बाबू। शिवम कोरा राइट, दानिश भी राइट। ये इम्बार्केशन डेक की ओर सिंबल करता है, इम्बार्केशन डेक की ओर। चलो 45 बताओ, ए पावर ड्रिवन वेसल अंडर वे स्टॉप एंड मेकिंग नो अवे इन द फॉग विल सिग्नल विल बी परस्यूज। पावर ड्रिवन वेसल कौन सा सिग्नल मारेगी बताओ? अरे भाई तुम लोग तो भाई बांदरी या केस बांदरी शिवम। ये होगा वन प्रोलॉन्ग ब्लास्ट। सॉरी सॉरी, गलत 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 गलत। तुम लोग बताओ क्या होगा? ए वाला होगा, टू प्रोलॉन्ग ब्लास्ट। 56 पर आ जाओ, बिल शुड बी क्लीन कवर विद द बर्लिप एंड सीमेंट। कब बिल्ज को कब क्लीन करके सीमेंट से बर्लिप करेंगे? देखो कहने का मतलब इसका क्या है, जब हम कार्गो लोडिंग करेंगे तो लोडिंग करने से पहले उसको कर देना है, ठीक है? नंबर ए। 47, एन इमर्सन सूट शुड बी प्रोवाइड ऑफ द, इमर्सन सूट जहाज पर किसको किसको मिलता है और कितने मिलते हैं? अमित कुमार सही, फुल कॉम्प्लीमेंट ऑन द बोर्ड। जहाज पर जितने भी आदमी रहेंगे सबको मिलता है, ए टू जेड पर्सन को मिलता है। नंबर 48 बताओ, मैच द सेल्फ एक्टिविटी स्मोक सिग्नल मोस्ट सुटेबल आंसर। अमित कुमार बिल्कुल सही है, मैन ओवर बोर्ड जब हो जाता है तब उसके लिए दिया जाता है, ठीक है? चलो 49 बताओ, द एबिलिटी टू लर्न बाय द प्रैक्टिस इज कॉल्ड। किलर गेमिंग बिल्कुल सही, स्किल होगा, स्किल अमित कुमार, स्किल होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, स्किल होगा, स्किल, समझ गए। इंटर कार्डिनल पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक कंपास बताओ,
इसका ऑप्शन सिर्फ बता दो, नाम मत लिखना है, बहुत बड़ा है। इंटर कार्डिनल पॉइंट कौन कौन से होते हैं? इंटर कार्डिनल पॉइंट बताओ कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल सही, नंबर सी होगा इंटर कार्डिनल पॉइंट। नंबर डी कौन बोल दिया? सतीश यादव, तुम नंबर डी कैसे बोल दिया बाबू? 5-1। मैच द टर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द ऑप्शन इज गिविंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? मुंह से बोलना नहीं है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? फेशियल एक्सप्रेशन करेंगे, समझा के उसको बताएंगे। चलो 52 आ गया फ्री, ये क्या है बताओ? हारनेस, हारनेस है ये हारनेस है। हाँ लिपनी मोबाइल ने सही बताया, सेफ्टी हारनेस है, सेफ्टी हारनेस। चलो 53 बता दो। ड्यूरिंग द बंकरी द फ्लोइंग सिग्नल शुड बी डिस्प्ले परमिटली। बंकरिंग के समय कौन सा डिस्प्ले जहाज पर हमेशा फोकस होना चाहिए? नो स्मोकिंग, बिल्कुल सही, वहां पर शो करना है नो स्मोकिंग। नंबर 5 क्या है बताओ तो तुम लोग? नंबर पांच क्या है? ये नंबर 5 जिप्सी, बिल्कुल सही, किलर गेमिंग ने सही बताया है, जिप्सी, जिप्सी जी बिल्कुल सही। फाइव फाइव बताओ, फाइव फाइव। वेन वी सी द ऑयल इज सिल्क इन द वाटर ऑफ एंकरेज, क्या करोगे? क्या करोगे इसमें बताओ? नंबर बी सही है, रिपोर्ट करेंगे जी, बिल्कुल सही, रिपोर्ट टू द ड्यूटी ऑफिसर। बताओ, रॉकेट पैराशूट फ्लेयर इन द बोट, बोट में बताना है। द नंबर ऑफ पैराशूट कितना होता है? हाँ नंबर 6 होता है, रॉकेट पैराशूट लाइव बोर्ड में 6 होता है और ब्रिज में 12 होता है, तो ऑप्शन होगा 6। चलो बताओ, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन डील विद द, बताओ बताओ। 57, MLC क्या डील करती है? हाँ राइट ऑफ द सी फेयर, सी फेयर क्या क्या राइट है वो डील करती है, नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो अब बताओ तुम लोग, नंबर 3 क्या है? ये नंबर 3 क्या है? चीक कौन बोला रे लड़का? चीक, किलर गेमिंग ने भी चीक बोला, अमित कुमार ने भी चीक बोल दिया। अबे पीन है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है रे, कैसा तुम लोग, यहाँ पर पीन लगा हुआ है साहब, पीन तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, स्प्लाइट पीन है। 59 बताओ, इन विच सिचुएशन पार्टिकल कैन एंट्री योर आई, किस सिचुएशन में हमारे आंख में किसी मेटल का पार्टिकल जा सकता है? हाँ बिल्कुल सही, विदाउट ग्लासेस। चलो बताओ, कार्गोस विच गिव ऑफ द गैसेस रिक्वायर्ड फॉर द, कार्गोस
विच गिव ऑफ गैसेस रिक्वायर फॉर द हाँ बिल्कुल सही है, उसको वेंटिलेटेड करना पड़ता है। सेफ्टी हार्नेस इज यूज फॉर सेफ्टी हार्नेस किस लिए यूज होता है? बिल्कुल सही, वर्क द अलॉप्ट, ऊपर काम करने के लिए सेफ्टी हार्नेस यूज होता है। नंबर वन बताना है क्या इसमें? नंबर वन आप लोग देख लो, नंबर वन देख लिया सबने? नंबर वन बताओ क्या है? नंबर वन, ये नंबर वन क्या है? बिल्कुल सही, मेन मास्ट है। मेन मास्ट सही है, सही है, मेन मास्ट है। नंबर 6-3, साउंडिंग ऑफ द ऑल फ्यूल टैंकर्स आर एंटर बाय द, कहाँ एंटर करते हैं? हाँ, इंजन लॉग बुक में इसको फिलअप करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, जितने भी टंग के साउंडिंग होते हैं उनसे इंजन लॉग बुक में फिलअप करते हैं। चलो बताओ नंबर 9 क्या है? नंबर 9, हाँ बिल्कुल सही, ये हिल ब्लॉक है। नंबर 9 हिल ब्लॉक है। वेयर शुड ए रोप बी स्टोर, रोप को कहाँ स्टोर करके रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही, ड्राई एंड वेन वेंटिलेटेड प्लेस यानी नंबर सी। 6-6, मेज द टर्म ड्राफ्ट मार्क विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, ड्राफ्ट मार्क जहाज में कितनी जगह पर होता है? 6, 6, 6, 6 प्लेस, 6 प्लेस, 6 प्लेस। बिल्कुल सही, फॉरवर्ड स्टारबोर्ड एंड पोर्ट, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड मिडशिप और आफ्ट स्टारबोर्ड एंड पोर्ट, तो आपका टोटल 6 जगह पे होता है। ठीक है, नंबर 6-4, 6-7, एंगल ऑफ द रिपोज इन द एप्लीकेबल लोडिंग विद द विच कार्गो, बोल रहा है कि बल्क कैरियर में कौन सा कार्गो लोड करेंगे तो उस पर एंगल आ जाएगा इस तरह। कोल, बिल्कुल सही आपने बताया, कोल यानी कोयला लोड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ये जिमिंग हिच है, ठीक है, जिमिंग हिच है तो इसका पर्पस पूछ रहा है। ठीक है, इसका पर्पस बताओ क्या? ये तो पहले जिमिंग हिच है, इसका पर्पस क्या होगा वो बताओ। जिमिंग हिच के पर्पस बताओ। अरे जिमिंग हिच का पर्पस क्या होगा? सिक्योरिंग ए रोप टू द हुक। जी मोहम्मद कैस ने सही बताया। चलो आगे बताओ, व्हेन द डेरिक इज सिक्योर ऑफ द सी द बूम हेड रेस्ट ऑन द, बोल रहा है कि डेरिक को ओपन सी में जब लॉन्ग सेलिंग के लिए डेरिक को सिक्योर किया जाता है कैसे? क्रैच स्टैंड, अमित कुमार और किलर गेमिंग ने बिल्कुल सही बताया, क्रैच स्टैंड से सिक्योर किया जाता है। ये मेरे को भी नहीं पता था, अनिल घोष सर ने मेरे को पर्सनली बताया था कि ये सही है। फॉरवर्ड स्प्रिंग इज यूज द मोरिंग सिस्टम टू प्रिवेंट द वेसल फ्रॉम द मूविंग, जो फॉरवर्ड स्प्रिंग लाइन होता है वो क्या करता है? अभय गुप्ता सही, हाँ, अवे फ्रॉम द जेटी, ये जेटी से जाने से रोकता है।
चलो नंबर दो बताओ, इसमें नंबर दो क्या है, इसमें नंबर दो क्या है, नंबर दो, नंबर दो ये क्या है, नंबर दो क्या है बताओ। हाँ नंबर दो समीम अहमद हैच कवर है। 72 बताओ, वेन ए वेसल इज एट एंकर एज द बाउ स्टॉपर रिलीज द स्ट्रेस ऑफ, बताओ जब जहाज एंकर पर होती है तो बाउ स्टॉपर किसको स्ट्रेस को रिलीज करता है। कार्गो हैच नहीं है बाबू, हैच कवर है। किलर गेमिंग ने सही बताया है, किलर गेमिंग बिल्कुल सही है। चैन चैन हाँ बिल्कुल सही है, एंकर चैन का स्ट्रेस को क्या करता है तो रिलीज करता है। ये आज अगर जिसने गलत बताया उसको मैं छोड़ूंगा। नंबर वन बताओ तुम लोग क्या है, हाँ आर्म है, आर्म 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 है, आर्म है, आर्म ट्रिपिंग पाम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ट्रिपिंग पाम है, ट्रिपिंग पाम, ट्रिपिंग पाम है। 74 कोर्स रिकॉर्डर रिकॉर्ड द, कोर्स रिकॉर्डर क्या रिकॉर्ड करता है। अमित कुमार राइट, अभय गुप्ता राइट, किलर गेमिंग रॉन्ग है। स्पीड कहाँ से रिकॉर्ड करेगा, वो तो स्पीडोमीटर ना करेगा। हाँ कोर्स ऑफ ए वेसल बिल्कुल सही, शिवम कोरबा ने सही बताया, कोर्स ऑफ ए वेसल जहाज का कोर्स रिकॉर्डिंग करता है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो बताओ ये कौन सा सिग्नल है। टू ब्लैक बॉल इन अ वर्टिकल लाइन, ट्विंग वेसल कौन बोला रे, ट्विंग वेसल, ट्विंग वेसल कौन बोला है। एक बोला है वेसल इज ए ग्राउंड, हाँ मोहम्मद कैस ने सही बताया है, वेसल इज नॉट अंडर कमांडेड, वेसल इज, अरे थ्री ब्लैक बॉल होगा तब वेसल एक ग्राउंड होता है। अरे अमित कुमार, थ्री ब्लैक बॉल होगा तब ना वेसल एक ग्राउंड होता है। नंबर सी सही है, वेसल इज नॉट अंडर कमांडेड। ठीक है तो चलो कल हम लोग फिर अपना अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। और मेरा जो दूसरा चैनल है तुम लोग से रिक्वेस्ट है बाबू कि उस चैनल का नाम है अंसारी GS एकेडमी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, अच्छे से आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलो ओके, तो अब हम लोग लाइव सेशन कंप्लीट करते हैं और यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है।